दिल्ली में जगह जगह यमुना का पानी भरने से अब न सिर्फ जाम की स्थिति पैदा हो गई है, बल्कि कई सारे ऐसी सड़कें हैं जहां पर अब गाड़ियों का गुजरना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसी ही एक बहुत ही मुख्य सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये रिंग रोड का वो रोड है जो सीधे ISBT जाता है, बस अड्डे जाता है, और ये आप रोड देखेंगे तो पूरी तरह से पानी से भर चुका है। इनफैक्ट अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो आप मेरे पैरों के पास देख पाएंगे किस तरह से पानी तेजी से बह रहा है, यानी कि पानी का जो प्रवाह है वो तेज हो चुका है। जल प्रवाह तेज होने के कारण जल भराव की जो स्थिति है वो ज्यादा खराब हो रही है। पानी का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले तकरीबन 2 घंटे की बात की जाए तो पैर मेरे बिल्कुल एंकल्स तक पानी था, अब मेरे घुटनों तक पानी आ चुका है, और कुछ ही समय में इसी तरह से अगर पानी बढ़ता रहा तो वो मेरी कमर तक भी पानी आ जाएगा। अगर आगे आप जाएंगे तो बसें, गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल कुछ भी आगे नहीं जा पा रहा है। सामने देख सकते हैं एक बस जाम पड़ी है पानी के अंदर। कुछ लोग पूरी कोशिश, भरसर कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को पार करके पहुंच जाए, क्योंकि ISBT है, कई सारी बसें हैं, कई सारे ऐसे यात्री हैं जिन्हें इधर से उधर जाना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना था। लेकिन मैं आपको पीछे अगर घुमाकर दिखाऊं तो वो सारी बसें यहां पर पार्क्ड है, सारी बसें यहां पर जाम पड़ी है, और लोग इसी इंतजार में है कि पानी का स्तर गिरे और उनकी गाड़ियां यहां से निकल पाए। सर मैं यहाँ से आया हूँ दिल्ली गेट से, मैं सुबह से परेशान हूँ, मैं अपनी दुकान पे नहीं जा पा रहा, मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरी भजनपुरा में दुकान है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा, सब जगह जाम है, सब रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। मैं एक अपील करना चाहूंगा दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से, कि इतना कुछ स्पीच देते हैं वो दिल्ली के बारे में कि दिल्ली सबसे अच्छा शहर है, तो देखिए किस तरह से परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पूरा एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते 3-4 दिन से तो बारिश है, अब ये पानी भर गया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा परेशानी है। यमुना नदी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो रिकॉर्ड पे है, 208.5 मीटर पे है। आज तक कभी इतना पानी रिकॉर्ड नहीं किया यमुना नदी में, और इसकी वजह से अब जगह जगह में पानी भर गया। और आप ये देख सकते हैं जो बसें हैं ये सारी, ये सभी जाम पड़ी है, इनमें जो यात्री थे वो सभी यहाँ पर फंसे पड़े। भैया कहाँ जाना था आपको? कश्मीरी गेट सर। कश्मीरी गेट जाना था। हाँ सर, बस अड्डे जाना था। हाँ बिल्कुल। कहाँ जाने वाले थे? हम पानीपत जाने वाले थे। तो कोई जरूरी जो भी काम होगा वो अटक गया होगा? वो अटक गया, आज वापिस जाना पड़ रहा है हमारे को, वापिस। हाँ बिल्कुल, ऑटो खड़ा है हमारा, तो समस्या काफी हो रही। भैया आपको कहाँ जाना था? सर हमें मॉडल टाउन जाना है ऑफिस के काम से, और सुबह से निकले पड़े हैं, सुबह 8 बजे का हम फंसे पड़े हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम, ना आप घर जाने के रहे ना ऑफिस। भैया आप लोगों को भी कहीं जाना था? आप कहाँ जाने? भैया मैं तो घर ड्राइवर हूँ, इंडियन ऑयल का गाड़ी लेकर आया हूँ गैस की, काफी पानी भरा हुआ है, मैं कहाँ लेकर जाऊँ, कोई गया वो ना है मुझे। नहीं, कुंड बराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है, और अगर पानी के स्तर की बात की जाए तो वो यमुना का लगातार बढ़ रहा है, और अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां से पानी यमुना नदी में आता है, वहां अगर बरसात थमे, वहां बरसात अगर रुके, तो किसी तरह से लोगों को दिल्ली में राहत मिलेगी, पानी का स्तर नीचे होगा।